हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बात करेंगे लैंडोर के बारे में। सो लैंडोर, जिनको नहीं पता है कि वो क्या है, लैंडोर एक छोटा सा कैंटोनमेंट एरिया है जो कि सिचुएटेड है जस्ट मसूरी के बगल में। और जब आप मसूरी जाते हो तो आप लैंडोर को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, और वो क्यों कीजिए वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। तो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। चलिए बात करते हैं लैंडोर की हिस्ट्री के बारे में। तो लैंडोर जो है वो एक ब्रिटिश सेंचुरियम था जो इसलिए बनाया गया था ताकि वहाँ पर ब्रिटिश सोल्जर्स को क्योर कर सके जो कि प्लेन्स की हीट से परेशान होकर यहाँ पर आए हुए थे। तो लैंडोर की जो एक तरह से उत्पत्ति है वो भी तभी हुई थी जैसे कि मसूरी के साथ। और लैंडोर के बारे में आपको जो फेमस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड, उनकी बुक्स में बहुत ही ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप पता है और आपने उनकी बुक्स पढ़ी हैं तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा कि लैंडोर क्या है और क्यों इतना हम लैंडोर को इतना फेम देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि लैंडोर जो है वो मसूरी के जस्ट बगल में ही पड़ता है, बट वो मसूरी से एकदम ही डिफरेंट है। मसूरी की भीड़ भाड़ से बिल्कुल अलग ही ऑरा और शांत ऑरा आपको यहाँ पर मिलेगा। लैंडोर में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि टाइम वो अभी भी वहीं पर रखा हुआ है जो आज से 50, 60, 70 साल पहले था। वही कॉलोनियल आर्किटेक्चर मिलेगा, वही ओपन स्काइज मिलेंगे, वही ठंडी हवा मिलेगी और वही फ्रेशली बेकिंग का आपको टेस्ट मिलेगा जो कि बिल्कुल ऐसा है जैसे कि अवन से आपकी प्लेट में आया है। और सबसे बड़ी हाईलाइट जो लैंडोर की है वो है वहाँ का स्पेशल पीनट बटर जो कि आपको अनिल प्रकाश के स्टोर से ज़रूर ट्राई करना चाहिए। तो जब भी आप मसूरी एक्सप्लोर करने जाते हैं या फिर मसूरी में आप अपनी छुट्टियाँ बिताने आते हैं तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप एटलीस्ट एक दिन यहाँ पर ज़रूर बिताएं। तो आप उस दिन का कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप मॉर्निंग में आप जाइए लाल टिब्बा और वहाँ के अमेजिंग चीज़ बॉर्न ऑमलेट का विद कॉफ़ी लुत्फ उठाइए विद द अमेजिंग व्यू ऑफ हिमालयन लोअर रेंज ऑफ सिवालिक। उसके बाद आपको अगर आपको इंग्लिश ब्रेकफास्ट करना है तो आप ज़रूर जाइए लैंडोर बेक हाउस जो कि यहाँ का एक जेम है। उसके बाद आप यहाँ के कॉलोनियल आर्किटेक्चर हैं उसको अगर आपको देखना है तो आप जाइए केलॉग्स मेमोरियल चर्च को एक्सप्लोर कीजिए, उसको देखिए। और यहाँ के 100 साल से भी ज़्यादा पुराने कोजी होमस्टेज हैं और भी उसी स्टाइल में बने हुए होमस्टेज हैं, वहाँ पर रहिए, उसके अंदर टाइम बताइए। और सबसे ख़ास चीज़ जिसके लिए लैंडोर फेमस है वो है यहाँ की विंटर लाइन जो कि आपको सनसेट के टाइम पर दिखाई देगी, और वो इंडिया में ये नज़ारा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। आप विंटर लाइन को या तो आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर आप क्लाउड एंड या फिर आप जॉर्ज एवरेस्ट पे जाते हो तो वहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अगर आप मसूरी आए हो और आपने लैंडोर देख ही लिया है तो इसके अलावा भी कुछ और चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ ही नहीं सकते जब आप मसूरी आए हो। तो जैसे कि आप शॉपिंग कीजिए मॉल रोड पे, कैम्प्टी फॉल को विज़िट कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट जॉर्ज एवरेस्ट हाउस के ट्रैक ज़रूर कीजिए। और आप जब एक बार जॉर्ज एवरेस्ट हाउस पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको मिलेगा शिवालिक रेंज का 360 डिग्री व्यू जहाँ पर कि एक एंशंट टाइम में जब जॉर्ज एवरेस्ट रहे थे, उन्होंने जब इंडिया का सर्वे किया था तो उन्हीं जगहों पर रह के उन्होंने इंडिया का मैप और सर्वे का जो है वो काम किया था। सो जब भी आप नेक्स्ट टाइम मसूरी आएँ आप इन जगहों को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है और कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। और बिल्कुल बताइएगा कि लैंडोर विज़िट करना आपके लिए चेरी ऑन द टॉप था कि नहीं। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं अलविदा कहता हूँ और मिलते हैं किसी नई जगह, किसी एक नई कहानी की तरफ। तो फिर स्टे सेफ and be musafir. Bye-bye.